हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर हब चैनल। मैं हूँ देवेंद्र गुप्ता। आज का वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अपने वेबसाइट पे टूल ऐड करना चाहते हैं, जो टूलिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज मिल जाएंगे जिसमें बताएंगे कि अर्निंग कितना होता है टूलिंग वेबसाइट से। बहुत सारे अर्निंग्स दिखाएंगे और 5-6 टूल्स के नाम बता देंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे, बट कोई भी ये नहीं बताता कि किस तरह से उस टूल को बनाना है। तो चलो फिर मैं आपको बताता हूँ कि चैट जीपीटी की मदद से किस तरह से आप एक टूलिंग वेबसाइट बना सकते हैं। आज के वीडियो में मैं बेसिक कवर करूंगा, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था कि किस तरह से चैट जीपीटी से आप कोई भी कॉपीराइटेड फ्री आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं, वो बताया था। आज के वीडियो में मैं एक ऐसे टूल, कोई भी एक टूल बना के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज करके, उनको कमांड देके, इंस्ट्रक्शन देके, किस तरह से आप चैट जीपीटी से बेस्ट टूल डिजाइन कर सकते हैं। चलो फिर ज्यादा देर न करते हुए मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको करना है काम। गाइस देखिए, मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ। बेसिकली आपको कैसे थॉट्स रखने हैं टूल बनाने के टाइम पे, कोई भी टूल आपको पहले कंसिडर करना है कि कोई भी टूल जो भी है, जैसे कि आप एज कैलकुलेटर हुआ, इमेज कंप्रेसर हुआ या फिर इमेज कन्वर्टर हुआ, ये सारे टूल्स हैं। तो ये सारे टूल्स में जो भी टूल्स आप पिक करते हैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे बनाने के लिए, सबसे पहले थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि उसका वर्किंग कैसा होना चाहिए, आपके दिमाग में चलना चाहिए। उसके बाद ही तो आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो चैट जीपीटी को कि किस तरह से आपको बनाना है। तो सिंपली अभी हम क्या करते हैं, एज कैलकुलेटर तो बहुत सारे लोग ने बना दिया है, हम क्या करते हैं एक इमेज कंप्रेसर टूल बनाते हैं। ठीक है, इमेज कंप्रेसर टूल बनाएंगे, कोई भी फॉर्मेट हो जैसे जेपीजी पीएनजी, उसको हम क्या करेंगे कंप्रेस करेंगे। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन देंगे, यहाँ पे हम चैट जीपीटी को कमांड देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे और उसके अंदर एक प्रॉम्प्ट हमारा छुपा हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे आई वॉन्ट क्रिएट इमेज कंप्रेसर टूल। यहाँ पे देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, इमेज कंप्रेसर टूल बना रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कोट के अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा कि इसको समझ में आएगा कि हम क्या करना क्या चाहते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा जो मैंने बोला प्रॉम्प्ट हम यूज कर रहे हैं यहाँ सेपरेटली, यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ जो भी आप HTML CSS JSS लिखेंगे वो सेपरेटली, ये हो गया आई वॉन्ट टू क्रिएट, मतलब उसको बता रहे हैं कि मुझे बनाना है। अभी तो हमारा सिर्फ इंस्ट्रक्शन है मुझे बनाना है, बट अभी हम यहाँ पे लिखेंगे फिर से राइट HTML CSS जावा सेपरेटली। ठीक है, जैसे ही हम डालेंगे यहाँ पे, देखिए अभी ये क्या करेगा, देखो बनाना स्टार्ट करेगा। देखिए हमारा तीनों जो फाइल है HTML CSS JavaScript ये पूरा तरह से रेडी है, अभी हम इसको चेक करेंगे। अब चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कन्वर्टर मास्टर करके टूल है उसको सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे हम टूल्स पे, यहाँ पे देखिए लाइव कोड पेन करके है, लाइव कोड पेन करके है, इसका मतलब क्या है कि ये लाइव जैसे कोड पेन वर्क करता है वैसे ये भी वर्क करता है। यहाँ पे बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे, आप यहाँ पे जैसे कि एडसन रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यूट्यूब रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद HTML मिनीफायर है, JSS मिनीफायर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लाइव कोड पेन पे जाएंगे, इसका इंटरफेस एकदम बहुत ही सिंपल है, मैंने बहुत ही मैं यूज करता हूँ, जैसे कि आपको पता ही होगा। यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ और इसको मोबाइल डिवाइस में करूँ, देखिए यहाँ पे ये मोबाइल डिवाइस के लिए भी बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम कोड पेन पे अगर हम करते हैं तो वहाँ पे हमारा डेटा शेयर होता है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा जो HTML और CSS बेस्ड ये है, यहाँ पे कोई भी डेटा स्टोरेज नहीं होता है। यहाँ पे कभी भी आप अपना कोड डाल के चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी लॉगिन आईडी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए मैं यूज करता हूँ, क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि चैट जीपीटी की मदद से मैं कभी भी बैठे हुए कोई भी टूल्स के बारे में सोचता रहता हूँ और बना देता हूँ। तो बनाने के बाद मुझे चेक करने के लिए कोई भी ऐसा लॉगिन करना पड़े ऐसा, या फिर अगर हमारा कोड पेन में जाएंगे तो वहाँ पे हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं, जो भी डेटा हम डालते हैं वहाँ पे वो सेव हो जाते हैं। सेव होने के बाद वो हम लोग वहाँ पे रख देते हैं और भूल जाते हैं उसको डिलीट करना।
तो क्या होता है कि वो कोई ना कोई और भी देख लेते हैं, तो उसका मीनिंग नहीं है कि वो आपका जो काम किया हुआ आप 2 घंटा 4 घंटा या 10 घंटा दे के कोई भी काम कर रहे हो उसको कोई भी चोरी कर ले। इसके लिए मैं प्रीफर नहीं करता उस चीज़ के लिए। आप सिंपली यहाँ पे डालिए और यहाँ पे देखिए डाउनलोड का भी ऑप्शन है। आप तीनों के तीनों जो फाइल है जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं आपका फाइल जो आप यहाँ पे चैट जीपीटी से लाके यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे भी इसको मैं बंद कर देता हूँ, मैं डेस्कटॉप मोड पे यूज करता हूँ। यहाँ पे मैंने ये डाला, उसके बाद यहाँ पे CSS डाला, उसके बाद यहाँ पे JSS। तो देखिए हमारा प्रीव्यू यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया, लेकिन ये लुक वाइज इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हमें अभी देखिए हमारा देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कॉम्प्रेस, देखिए यहाँ पे कॉम्प्रेस बटन काम नहीं कर रहा है। तो अभी हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमारा कॉम्प्रेस बटन काम नहीं कर रहा है और यहाँ पे एक डाउनलोड बटन भी होना चाहिए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमारा होगा यहाँ पे, प्लीज उसको रिस्पेक्ट देना है थोड़ा सा, तो उसको लगेगा कि हाँ जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही है। प्लीज करेक्ट द कोड, कॉम्प्रेस बटन नॉट वर्किंग, also add download button, think on self how compressor image compressor sorry image compressor work, ठीक है। यहाँ पे डाल देंगे, अभी देखते हैं क्या, देखो क्या करके देता है। देखिए यहाँ पे उसने क्या किया, let's correct the code necessary adjustment ensuring compressor button वर्क डाउनलोडिंग फंक्शनिंग, ठीक है यहाँ पे उसने बोल दिया, ठीक है। अभी वापस से हम इसको चेक करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसमें मेरे को बहुत अच्छी बात ये लगती है इस टूल का। देखिए यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है आपके हिसाब से, आपको पूरा कोड देख सकते हैं। सेम ऐसे आप मोबाइल डिवाइस के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। Choose compress, यहां देखिए compress हुआ है फाइल, यहां पे देखिए डाउनलोड भी हो गया, ठीक है। अभी हम एक काम करते हैं, जो भी हम यहाँ पे इमेज डालेंगे उसको हम देख लेते हैं कि वो इमेज जो का साइज क्या है उसके ऊपर हमारा डिसाइड होगा ना कि इमेज कॉम्प्रेस हुआ है कि नहीं। हमारा तो डाउनलोड तो हो गया, अभी क्या करते हैं हम लोग, कौन सा इमेज डाले, हाँ ये वाला इमेज डालते हैं। ये 603 KB का है, ठीक है 603 KB का, इसको हम डालते हैं, हाँ इसको डालेंगे यहाँ पे कॉम्प्रेस डाउनलोड। देखिए ये कॉम्प्रेस कर रहा है गाइस, यहाँ पे आप देखने वाली बात है कि यहाँ पे देखिए कॉम्प्रेस कर रहा है, क्योंकि मैंने जो डाला था अभी इमेज का था वो 600 का था, ठीक है 603 KB का था, और यहाँ पे अभी ये कितना है 38 KB का है, तो इट मीन्स ये कंप्रेस कर रहा है। लेकिन गाइज ये इमेज की क्वालिटी को भी बहुत ही ख़राब कर रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर रहा है। तो अभी हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि गिव ऑप्शन टू यूजर टू सेलेक्ट द क्वालिटी ऑफ इमेज, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो आउटपुट रहेगा वो यूजर डिफाइन करेगा मेरा इमेज कितना अच्छा होना चाहिए। पहले हम इसको थोड़ा सा बेटर लुक बना ले, ठीक है। क्या इंस्ट्रक्शन देंगे यहाँ पे, ऐसे डालेंगे आई वांट बेस्ट लुक फॉर दिस टूल रिस्पॉन्सिव टू ऑल डिवाइस, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, अच्छा दिखना भी चाहिए और रिस्पॉन्सिव टू ऑल डिवाइस। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, रिस्पॉन्सिव अगर नहीं रहेगा तो हम क्या एक ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहे डेस्कटॉप वाले, हम टारगेट कर रहे हैं सारे जैसे कि मोबाइल डिवाइसेस हुआ या फिर कोई भी डिवाइसेस हुआ उन सारे डिवाइसेस को हम टारगेट कर रहे हैं। इसके लिए हम ये ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि क्या वो CSS बना के देता है। तो यहाँ पे हम वापस से हम CSS डाल देंगे, देखते हैं क्या किया उसने। इसने अभी कुछ भी ऐसा कुछ चेंजेस नहीं किया है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग देते हैं। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे कोडिंग, इफ यू वांट
चेंज स्ट्रक्चर ऑफ HTML, then change it, but make better look and appearance. यहाँ पे देखिए अभी HTML को फिर से स्ट्रक्चर कर रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर जो बना रहता है HTML का वो इतना अच्छा नहीं होता, इसके वजह से ये प्रॉब्लम होता है. देखिए यहाँ पे div का यूज नहीं किया है, इसके वजह से ये बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है. तो अभी देखिए अभी इसने बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर किया, डीप का यूज किया. तो अभी इस केस में अभी क्या होगा, अभी जैसे मैं पेस्ट करूं और इसका CSS हम यूज करें तो देखिए अभी कितना गुड लुकिंग रहेगा एज कम्पेयर टू अभी दिख जाएगा. ये देखिए अभी दिख रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे अभी इसने क्या किया, जो अपलोड बटन है वो मिसिंग है यहाँ पे. तो अभी हम क्या करते हैं, फिर से हम इंस्ट्रक्शन देंगे इसको. आई थिंक you removed upload button. यहाँ पे चेंज करेंगे वर्डिंग. I want both option to upload image. User can upload by clicking upload button. और ड्रैग ड्रॉप इमेज एज पर यूजर रिक्वायरमेंट. प्रेफरेंस डाल देते हैं, बेटर रहेगा. यहाँ पे डालेंगे अभी, देखते हैं अभी क्या करता है. देखिए अपलोड कंटेनर आ चुका है यहाँ पे. अभी इसने बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर्ड करके दिया है. अभी हम वापस से देंगे ऐसा और ये CSS. राइट कंप्लीट JSS, क्योंकि ये वर्क नहीं करेगा गाइस. आपको तो ये बेस्ट लुकिंग दे देगा बट वर्क नहीं करेगा. इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी उससे फिर से हम इमेज कंप्रेसर को देखिए. चूज इमेज यहाँ पे आ चुका है. देखिए यहाँ पे और अलग से कर दिया और ये अलग से कर दिया. तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इसको उसको फिर से कमांड दे सकते हैं कि हम मेरे जो ए है ना यहाँ पे होना चाहिए, ना कि इसके बाहर. यहाँ पे और डाल के उसने डाल दी, जिस तरह से मैंने इंस्ट्रक्शन दिया उसी तरह से इसने फॉलो किया. बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप क्या इंस्ट्रक्शन देते हो. अगर आपने इंस्ट्रक्शन गलत दिया तो वो गलत ही आएगा, ठीक है. तो अभी हमारा यहाँ पे ये हो चुका है कि इमेज कंप्रेस हो रहा है, डाउनलोड भी हो रहा है. देखिए यहाँ पे अगर मैं और कोई बड़ा इमेज ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये था ना 600 KB का, इसको हम ले लेते हैं. यहाँ पे कंप्रेस करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड कितना हो गया, 37 KB का, ठीक है. तो इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन देना है. अगर मैंने यहाँ पे JSS ये नहीं डाला है यहाँ पे तो भी वर्क कर रहा है. तो JSS फिर से डाल ही देते हैं, ठीक है, तो भी वर्क करेगा, ठीक है. सॉरी यहाँ पे डाउनलोड बटन नहीं काम कर रहा. फिर से हम उसको या तो बोल सकते कि आप जो डाउनलोड बटन है वो काम नहीं कर रहा है, या फिर हम बैक जो हमने पहले डाला था उसको बैक कर लें, क्योंकि प्रॉपर वर्क कर रहा है. ये देखिए, तो हम क्या करेंगे अभी इसको ही कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे बोलेंगे दिस इज आवर फाइनल JSS. तो इससे क्या होगा कि इसको कंसिडरेशन में ले लेगा, इसको इग्नोर करेगा, जो उसने लिखा है उसको इग्नोर करेगा और इसको फाइनल ले लेगा. देखिए यहाँ पे ग्रेट लुक्स फाइनल JSS कोड ऑफ इमेज कंप्रेसर टूल गाइज. तो इस तरह से आपको टूल्स बनाना है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो डाउनलोड कंप्रेसर इमेज का सिर्फ लिंक दिया है, तो यूजर लिंक अच्छा नहीं लग रहा ना. आप इसको बटन में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे
जैसे कि कंप्रेस ये डायरेक्टली कर दे रहा है कितना कम करना चाहिए, कितना ज्यादा करना चाहिए, इसका इमेज का क्वालिटी कितना परसेंट मेंटेन करना है, वो सब यहाँ पे नहीं दिया है। तो आप वो भी कर सकते हैं कि उसको इंस्ट्रक्शन देके कि आप जो इमेज का क्वालिटी डिपेंड ऑन परसेंटेज बार, आप ऐसा कर सकते हैं, तो वो परसेंटेज यूजर सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं, तो इमेज का क्वालिटी अच्छा रहेगा और जो साइज है थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अभी दूसरा, अगर आप मोबाइल पे यूज कर रहे हैं तो ये सारी इस पे यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास आप डेस्कटॉप यूज करते हैं तो वीएस कोड यूज करते रहेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने कौन से टूल पे काम किया, अभी जस्ट लेटेस्ट, हाँ मैंने इस पे काम किया, पासवर्ड जनरेटर पे काम किया है। तो अभी हम क्या करते हैं, तो अभी मैं यहाँ पे वीएस कोड में क्या करता हूँ, मेरा वो जो कोड है उसको पेस्ट करता हूँ, जैसे कि आपको पता ही होगा कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। CSS और यहाँ पे सॉरी CS जावा, जावा में डाल देंगे, और CSS को हम CSS में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीन फाइल्स बन गए हैं जो वर्चुअल स्टूडियो में है। अभी हम इसको क्या करेंगे, लाइव करेंगे, गो टू स्टार्ट लाइव। देखिए यहाँ पे लाइव हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाइव हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको काम क्या करना है आपको, जैसे कि अभी मुझे जो इसका बैकग्राउंड है ब्लैक करना है, तो यहाँ पे इजीली आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लैक करना है तो सिंपली आ जाइए यहाँ पे, ब्लैक कर दीजिए, सेव। देखिए ब्लैक हो गया, किस तरह से पूरा पूरी तरह से ब्लैक हो गया। तो आपको थोड़ा सा CSS आना चाहिए, HTML के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज रखिए, मतलब इतना नहीं कि बहुत ही ज़्यादा आपको नॉलेजबल, लेकिन उससे क्या होगा कि आपको जो अपीयरेंस देना है तो आप प्रॉपर अपीयरेंस दे सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे ये ब्लू है, तो आप यहाँ से इसको ब्लू को चेंज करने के लिए अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि यहाँ मैं इसको कलर इसका थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, मुझे पता है कौन सा चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक आप सीख लीजिए CSS का, आप पूरी तरह से आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो ब्लू आ रहा है। ठीक है, तो उसको भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, आपको चेंज देखिए अपलोड लेवल होवर, तो आपको पता रहेगा तभी जाके आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ग्रीन करना चाहता हूँ फिलहाल के लिए। देखिए जैसे मैं होवर करूँगा यहाँ पे ग्रीन आएगा। तो ये तो हो गया आप कैसे टूल बनाएंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस टूल को अपने वर्डप्रेस वेबसाइट हो या डायनेमिक वेबसाइट हो उसमें कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो मैं बताऊंगा। तो गाइस कैसा लगा है वीडियो, अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट आएगा तभी मैं जाके वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि क्या होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है या फिर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए। तो ठीक है गाइस, कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।